नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज हम पहुंचे हैं BSF खड़का कैंपस शाह, जहां आज पासिंग आउट पर दिया नवरक्षक, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में IG अजाज सिंह मलिक शामिल हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे इस पासिंग आउट परेड के बारे में और कितने नवरक्षकों की परेड हुई है और कितने शामिल हुए और एजुकेशन क्या है। सर आपका स्वागत है जी दीदी समाचार। बहुत धन्यवाद सर। जी आज जो है जल संरक्षण वाटर लिंग के जो नव मुख्य आरक्षक और आरक्षक दो कैटेगरी के जो है वो हमारे रिक्रूट्स थे, उनकी आज एक पासिंग आउट हुई है, उनका दीक्षांत समारोह हुआ है। ये जो है 175 टोटल जो ये थे हमारे रिक्रूट थे, जिसमें 41 मुख्य आरक्षक और 134 जो है जिसमें आरक्षक थे। तो ये उनका जो ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हुआ था 23 सितंबर 2022 को, और ये 44 सप्ताह के कठिन परिश्रम और ट्रेनिंग रिग्रस ट्रेनिंग के बाद आज ये इनका दीक्षांत समारोह हुआ। आज ये पास आउट हुए हैं, आज ये ट्रू बॉर्डरमैन बन गए हैं। और इनको जो है ट्रेनिंग के दौरान हमने बेसिकली आपका फिजिकल ट्रेनिंग से स्टार्ट होती है कार्रवाई, फिजिकल ट्रेनिंग, उसके बाद फिर वेपन हैंडलिंग, उसके बाद ड्रिल के बाद फिर जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट लाइक जो है माइनर टैक्टिक्स ऑपरेशन, पेट्रोलिंग, अम्बूस, गश्त लगाना, सीमा पे नाकाबंदी करना और मैप रीडिंग और लॉ, और इसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स की भी हम इनको जो है अवेयरनेस इनको जो है करवाते हैं, जानकारी देते हैं जी। सर बात करें BSF की, जैसे आपने बताया 175, यहाँ 175 जो नवरक्षक हैं इनमें क्वालिफिकेशन जो कितनी डिग्री, जैसे बहुत से लोग आना चाहते हैं BSF में जी जी, तो अभी जो जिन्होंने पास आउट किया है वो इनकी कितनी डिग्री? इसमें जी ये देखिए कि 14 के करीब तो इसमें हमारे वो थे ग्रेजुएट के, 110 10+2 जो है किए हुए थे और बाकी मैट्रिकुलेट थे जो है इसमें। मतलब अभी जो ये तो हमारे बेसिकली जो है तो स्पेशलाइज ब्रांच की ट्रेनिंग थी, विंग की ट्रेनिंग थी, जिसमें इनको जो है ना कुछ डिप्लोमा जो है उससे भी कर किया होना चाहिए जो है पहले ये डॉकयार्ड्स वगैरह से जो है सब मैरीन जो है ट्रेनिंग की पास इनके पास एक सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होता है। ये थोड़ा सा उससे भिन्न है क्योंकि ये जो है हमारे जहाँ जहाँ पे हमारी वाटर विंग डिप्लॉयड है जी। हमारी वाटर विंग मुख्यतः सुंदरबन डेल्टा के अंदर डिप्लॉयड है, जो कि रिवराइन और जो है ना वो सी से मिलता हुआ इलाका है, बॉर्डर की सीमा है वहाँ पे। इसके अलावा धुबरी में जो है ब्रह्मपुत्रा के जो है रिवराइन एरिया है उसमें डिप्लॉय होंगे, और इसके अलावा पंजाब के अंदर भी रावी और सतलुज का जो रिवराइन इलाका है बॉर्डर का उसमें डिप्लॉय होंगे, और बाकी जो है भुज के अंदर जो है ना वो हमारा जो मरीन विंग है वहाँ पर, तो मरीन बटालियन है उसके अंदर इनकी तैनाती होगी। सर बहुत सारे पंजाब के साथ साथ अन्य राज्यों में बहुत सारे वीर BSF में आना चाहते हैं, बहुत जो नौजवान हैं तो उनके लिए आप क्या आप ये इंस्ट्रक्शन चाहिए और योग्यता चाहिए BSF में आने? BSF में देखिए जी जो है कई लेवल पर जो है इंडक्शन होता है। पहला तो कांस्टेबल लेवल पर जो होता है हमारा, उसमें मैट्रिकुलेशन तो जो उसमें क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, बाकी फिजिकल फिटनेस और उनका एक रिटन टेस्ट होता है और मेडिकल फिटनेस जो है ये सब क्राइटेरिया हैं एक सिपाही के इसमें भर्ती होने के लिए। और इसके साथ साथ लिखित परीक्षा भी होती है जो मैट्रिकुलेट के लेवल की होती है, उसका जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं जो कंप्यूटर से मार्किंग किया जाता है। BSF में भर्ती एकदम से ट्रांसपेरेंट वे में की जाती है। दूसरा ये जो सब इंस्पेक्टर लेवल पे भी भर्ती होती है हमारी डायरेक्ट एंट्री सब इंस्पेक्टर, वो ग्रेजुएट होना चाहिए और उनका भी रिटर्न एग्जाम फिजिकल मेडिकल ये सब कुछ होता है। और इसी प्रकार गस्टेड रैंक के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे भी हमारी भर्ती जो है वो डायरेक्ट होती है, उसको UPSC कंडक्ट करता है और सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट एंट्री की भर्ती SSC करता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करता है। तो ये हमारे इंडक्शन लेवल में, बाकी कुछ स्पेशलाइज ब्रांचें हैं जैसे कि वेट विंग है हमारी और कुछ इंजीनियरिंग का है, उनका अलग से भर्ती होता है। सर BSF खड़का कैंप यहाँ
खड़का कैंप पे मौजूद में जो हमारी 6 कंपनियां थी जो ट्रेनिंग कर रही थी जी, 2 कंपनियां हैं उनकी ट्रेनिंग 10 वीक की होगी है और 11 वीक स्टार्ट हो जाएगा, और 2 कंपनी है जिसकी 8 वीक की होगी है, अब नेक्स्ट मंडे से उनका है 9 वीक स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक कंपैशनेट अमाउंट ऑफ अपॉइंटमेंट वाली कमेटी वो है, ट्रेनिंग चल रही है कंपनी की, जिसमें हमारे 2 कैटेगरी के जो है कैंडिडेट है ट्रेनिंग है, जिसमें एक तो है जो 30 साल से कम उम्र के, दूसरे 30 साल से ज़्यादा उम्र, तो 30 साल से कम उम्र के हैं उनको तो हम ट्रेनिंग देते हैं ये 24 वीक की, और जो 30 साल से कम है उनको देते हैं 44 वीक की, 30 साल से ज़्यादा उनको देते हैं 24 वीक की। तो ये कंपैशनेट अपॉइंटमेंट उनकी की जाती है जो सेवा काल के दौरान जो है जो कार्मिक हमारे जो है वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं या एक्सीडेंट्स में डेथ हो जाती है, तो उनके परिवारों को सपोर्ट देने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए उनको जो है हम जो है रेज में रिएक्शन वगैरह देकर भी उनको भर्ती करते हैं, और जिस कैटेगरी की क्वालिफिकेशन होती है उसमें उनको लिया जाता है। सामान्यतः ग्रुप सी की भर्ती ही कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की होती है। तो ये तो था जी हमारा ट्रेनिंग का जो मैंने बताया, 5वीं कंपनी जो हमारी चल रही है और 6थी कंपनी ये वाटर विंग की आज जो है वो पास आउट हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी दोस्तों, ये थे इंस्पेक्टर जनरल अजाज सिंह मलिक, जिन्होंने हमें बीएसएफ के जब आज पासिंग आउट उसके बारे में बताया, साथ ही बीएसएफ खड़का कैंप में किस तरह से काम किया जाए, तो जो बीएसएफ खड़का कैंप पूरी कार्यक्रम हमें बताई, हम प्रयास करेंगे इनसे लोगों तक, आवाम तक पहुँचाए, और साथ ही इन्होंने बताया बीएसएफ आने अगर कोई युवक चाहता है तो उसके लिए भी इन्होंने बताया कि उसे क्या करना चाहिए।